हेलो, क्या है? मैं नहीं चाहती तुमसे बात करना। बार बार फोन करना बंद कर दो मुझे। अरे पर एक बार बात तो सुनो। मैं मानता हूं मैंने गलती की है और गलत टाइम पर की है, पर ये सब अनइंटेंशनली हुआ है यार। और तुम शिमला क्यों चली गई बिना बताए? मैं परेशान हो गया था यार। मैं पेरेंट्स के घर पर हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें पता था मेरी जॉब चली गई है, फिर भी तुमने अपनी जॉब छोड़ दी अपना नया कैफे शुरू करने के लिए। हाउ इरिस्पॉन्सिबल अमित। यार सुनो सुनो प्लीज यार, मैंने सब प्लान करके किया है। और प्लान करके अपनी सारी सेविंग्स लगा दी अपने कैफे में। अभी घर की, कार की, लोन की इंस्टॉलमेंट्स कैसे देंगे? खर्चा कैसे चलेगा? यार मैंने प्लानिंग की हुई है, हम संभाल लेंगे। क्या प्लानिंग है? पिछली बार की सुपर प्लानिंग की तरह? फूड ऑन व्हील प्रोजेक्ट बुरी तरह से बर्बाद हुआ था वो। यार सुनो सुनो यार प्लीज, मैंने सब प्लान करके किया है। हर बार तुम्हारे चक्कर में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा लिसन, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का, तुम फोन बंद करो। मैं हेल्प कर दूं? यस बेटा। ओ आज तो बस भी टाइम से नहीं है, बुरी हालत है। मेरा जाना इतना जरूरी है और आज बस भी नहीं आ रही। ओ हाँ, आज कुछ बसेस का प्रॉब्लम है। आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं? शायद इसीलिए जल्दी में है। नहीं नहीं मैं तो बेटा नर्सिंग होम जा रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ नाश्ता करने। वो वहाँ पे एडमिटेड है, उसको अल्जाइमर हो गया हुआ है। फिर तो आपको देरी हो गई, तो उन्हें तो चिंता हो जाएगी। नहीं नहीं उनको तो याद भी नहीं है मैं कौन हूँ। पिछले 3 सालों से उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं है बीमारी की वजह से। वो आपको पहचानती नहीं है, फिर भी आप हर रोज उनके साथ नाश्ता करने नर्सिंग होम जाते हो। वो मुझे पहचानती नहीं है, लेकिन मैं तो पहचानता हूँ वो मेरी कौन है। वो मेरी बस आ गई। God bless you. हेलो, आप फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया था? पता है मैं डर गया था यार। प्लीज यार दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? अच्छा सुनो, आई एम सो सॉरी, आई मेस्ट इट अप यार। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, सुनो ना, हमारा सपना था हमारा अपना कैफे खोलना, अपना मेन्यू, अपना डेकोरेशन, अपना स्टाफ और तुम्हारा मार्केटिंग प्लान। अब ये सब सच होने वाला है। सच में? ओह कम ऑन शिल्पा, थिंक अबाउट इट, हम कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे? हाँ बात तो सही है अमित। द बेस्ट पास्ता इन द वर्ल्ड, बिना किसी वाईफाई, टीवी और लैपटॉप के लोग बस सामने बैठकर एक दूसरे से बातें करेंगे, सिर्फ प्यार की बात। सच, कितना मजा आएगा ना। कैफे 90, हमारा कैफे 90। यार तुम्हारे बिना इतना सब कुछ कैसे होगा यार, आ जाओ ना प्लीज। आज रात की बस से वापस आती हूँ। लव यू शिल्पा। I love you, me too.